सब उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग ये है कि मैं अपनी फेस रेमेडी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि गर्मियों में आपको पता है कि लड़कियों के फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा ही होती है, तो मेरी नंद के चेहरे पे हो रही थी बहुत ज़्यादा एक्नी, तो उसके लिए मैं बना रही थी फेस पैक। मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा व्लॉग, आप लोग पूरा और एंड तक देखना और लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो चलें आज बनाती हैं फेस पैक। आप बना देते हैं, एक चम्मच में डालूंगी सबसे पहले नींबू, एक चम्मच हो गया शहद। तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप लोग जरूर इसे इस्तेमाल करना। एक चुटकी हो गई सिर्फ थोड़ी सी हल्दी। तो ये अब हम डालेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल। तो इसको मैं पहले काट लेती हूँ। तो ये चेहरे के लिए बहुत ही तंग कर रहा है, बहुत ही तंग कर रहा है आज लड़का। तो ये फ्रेश एलोवेरा जेल, ये भी चेहरे के लिए आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये भी हम डाल लेंगे साथ साथ। और ये देखिए, ये भी मुझे आज बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है, इसको पता है कि अम्मा कर रही है काम। तो ये हम डाल लेते हैं से, आप लोग निकाल लेना। तो ये अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स। मैं तो हफ्ते में दो बार इसे अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, तो इससे चेहरा तो फ्रेश ही रहता है। जो थोड़ी सी ज़्यादा मैल कुचैल भी हो जाए तो उससे ये वो भी साफ़ हो जाता है। तो ये लड़की नहीं लगाती, तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हारे चेहरे पे ये लगा देती हूँ। तो थोड़ी तो इसे बहुत ज़्यादा ही एक्ने हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जी आज ये लगा लेती हूँ। मैंने कहा चलें जी मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो ये अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इसको। तो मैं इसे लगाने लगी हूँ, तो आप लोग तो प्लीज़ इस पर मत हंसना, क्योंकि मेरे बेटे ने ब्रश मुझसे खींच लिया, तो ये मुझे शॉर्टकट रास्ता मिला लगाने का, तो मैंने ये उठा लिया है। ये भी है, लग जाएगा आराम से। तो आ जाएं आप इसे लगाते हैं। ये देखें जी, इसके चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह दो हफ्तों में तो आराम से ये हट जाएंगे। फेस पैक लगा दिया है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 15 मिनट रखना है, और उसके बाद आप लोगों ने ठंडे पानी से चेहरा कर लेना है वॉश, और उसके बाद लगा लेना है रोज़ वाटर। तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, और इसे दो हफ्तों तक तो दो हफ्ते में दो बार तो आप लगा ही सकते हैं ना। तो पता है कि देसी टोटकों का इतना जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता, तो इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये मैं इसको हफ्ते में दो बार लगाऊंगी तभी इसका रिज़ल्ट आएगा। तो फिर वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर कर। इसने चेहरा वॉश कर लिया है, तो मैं इसके चेहरे पे मैंने कहा मैंने खुद ही लगा दूँ रोज़ वाटर, जो कि मैं अभी इसको ये लगा रही हूँ। इधर करो, ये ठंडा ठंडा आप लोग भी लगा लेना। और हाँ, जिसकी सेंसिटिव स्किन है तो हफ्ते में दो बार ही इस्तेमाल करना, तो अच्छा हो जाएगा चेहरा।
मेरे चेहरे पे तो कभी नहीं होती, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती। जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तो अब बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी वीकनेस है, वीकनेस की वजह से थोड़ी आँखें डल लगती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसे अच्छा और फ्रेश फ्रेश चेहरा रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ वाटर भी जब भी चेहरा वॉश करती हूँ लगा लेती हूँ, तो ये अच्छा ही रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।